केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स की भी पूरी टीम मौजूद है गच्छिया हॉस्पिटल पंचायत में, और यहाँ पे हमारे साथ हैं वर्तमान मुखिया जो कि हमारे साथ अभी बात करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब पंचायत चुनाव आता है, जो गांव है, गांव के लोग ही अपनी सरकार चुनते हैं, ऐसे में जो केंद्र द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती है, वो इन जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता तक पहुंचाना, हर एक नागरिक को वो सारी सुविधा पहुंचाना। ऐसे में जो वर्तमान मुखिया है उनसे चल के जानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, उन्हें जनता से कितनी उम्मीदें हैं, और ऐसे में जब जनता अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार की है तो मुखिया जी से जानते हैं कि वो उसमें पास है या फेल, वो खुद बताएंगे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल इनका रहा है। फिर से अभिभावी उम्मीदवार हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, दिन भर क्षेत्र में रहते हैं। अभी मैं आई थी तो आधे घंटे इंतजार करने के बाद मुखिया जी से मुलाकात हुई है, क्योंकि जनता के बीच में रहे। मुखिया जी, सबसे पहले तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी जी, एक बार अपना पूरा नाम बता दें हमारे दर्शकों को। भाई अमरजीत कुमार। अमरजीत जी, ये बताएं, आप 5 सालों में आपने अपने क्षेत्र में विकास का हर एक मापदंड देखा होगा, काम किया होगा, ऐसे में वो कौन कौन से कार्य हैं जो आप अभी तक अपने कार्यकाल में किए? सबसे पहले तो हम इंदिरा आवास का बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास के नाम से आज के डेट में आ रहा है। 721 आदमी को 5 साल में हमने दे चुके। हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में नल जल का भी काम खत्म हो गया है, 6 वार्ड में जो है पीएचडी काम कर रही है, और 7 वार्ड में मुखिया वार्ड के थ्रू काम हुआ है। वो मुखिया वार्ड के थ्रू जो भी काम है वो सब पूर्ण हो चुका है। पीएचडी का 2-3 जगह भी बचा हुआ है और चल रहा है, और एक तो शिथिल है उस पर भी लगे हुए हैं, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और शौचालय के विषय में तो ओडीएफ हो गया, पूरे पंचायत में शौचालय बन गया। जी जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि काम बोलता है। देखिए, मुखिया जी ने 5 सालों में इतना काम किया कि ये उंगली पे गिनवा सकते हैं कि इन्होंने अपने क्षेत्र में जनता तक वो कौन कौन सी योजनाएं पहुंचाई हैं जो केंद्र सरकार बनाई थी, और ऐसे में मुखिया जी ने 5 सालों में जो काम किया आपको बताया। लेकिन ऐसे में मुखिया जी, अगर आपको फिर से जनता चुनती है, वापस से आपको मुखिया बनाती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, तो ऐसे में वो कौन कौन से काम है जो आपकी नजर में है और आने वाले 5 साल में आप करना चाहेंगे? प्रत्येक गाँव में कुछ ना कुछ बचा हुआ है जी, मोटा मोटी कहा जाए तो 12 ना काम हो गया है, 4 गाँव बचा हुआ है, कुछ इंदिरा आवास भी बचा हुआ है, जिसका सूची 221 आदमी का आ गया है। पुनः फिर इलेक्शन के बाद सूची तैयार होने वाला है, तो प्रधानमंत्री आवास में जितना जोड़ेंगे वो साल भर में खत्म हो जाएगा। अभी सरकार का इतना प्रोसेस है जो कि पहले साल भर में 46 इंदिरा आवास मात्र दिया जाता है, और जब से ये प्रधानमंत्री आवास हुआ है तो साल भर में 600 आदमी को इंदिरा आवास दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है बहुत ज्यादा। जी जी, जितना सोचा नहीं था जनता उससे ज्यादा, उससे ज्यादा मिल रही है। और आप खुद जनप्रतिनिधि हैं तो अपनी जनता तक वो सारी सुविधा पहुंचा रहे हैं। हाँ, समय से समय कुछ बचा हुआ है तो वो पूरा कर। देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का काम कभी भी रुकता नहीं है और पूरा नहीं होता। विकास के मापदंड में देखा जाए तो अगर आपके पास सरकारी अस्पताल है, स्कूल है, रोड है, बिजली है, फिर भी विकास वहाँ थमता नहीं है, दर प्रतिदिन विकास बढ़ते जाता है। लेकिन मुखिया जी, ये बताया कि बाकी जितने प्रत्याशी हैं अभी मैदान में, वो भी कहीं ना कहीं विकास की ही बात करते हैं। अच्छा, वो भी कहते हैं कि हम अपनी जनता के लिए विकास करेंगे, काम करेंगे, लेकिन आप 5 सालों में इतना काम किए हैं, आप वापस से उम्मीदवार हैं, ऐसे में उन प्रत्याशियों की जो बातें हैं, क्या लगता है जनता कहीं भ्रमित तो नहीं हो जाएगी सब बातें सुन के? नहीं, वो जनता कन्फर्म है, पूरा जो है वो हम ही को मुखिया बनाने जा रहा है। जी, पूरे पंचायत में 12 नंबर वोट मेरा है, ये पहले सकते हैं। जी, एकदम कन्फर्म हो चुका है, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो जनता बता रहा है। जनता बता रही है। अभी क्या कुछ अभी देखा जाए तो चुनाव को लेके राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ सूची जारी की है, क्योंकि महामारी है, ऐसे में इस समय चुनाव होना और करना बहुत मुश्किल होता है, आप खुद एक उम्मीदवार हैं, डोर टू डोर जाके नहीं कर पाएंगे, ऐसे में वो क्या क्या स्ट्रैटेजी है जिससे आप जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं या अभी पहुंचा रहे होंगे, कैसे आप जनता को संबोधन कर रहे हैं अभी? अभी तो जगह जगह बैठ रहे हैं, लेकिन आने वाला कल घर घर जाना ही पड़ेगा, और जाएंगे जी, चाहे मेहनत जो करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल,
और जो भी जनता का समस्या है तो हमको है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक है हम करेंगे। देखिए पंचायती राज जब सिस्टम बना था यही सोच के बना था कि जब गांव की सरकार बनेगी तो गांव के लोग अपने बीच के लोगों को जनप्रतिनिधि चुनेंगे। और ऐसे में मुखिया जी पिछले 5 सालों से अपनी जनता के बीच में सेवा करते आए हैं, सेवा कर रहे हैं और अभी आगे भी ये मौका तलाश रहे हैं कि अगर जनता इन पे दोबारा भरोसा करती है तो ये उसी भरोसे के साथ खड़े रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। लेकिन मुखिया जी ये बताएं, कभी कभी ऐसा होता है, आपने कहा केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बिहार में भी केंद्र बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन ऐसे में कभी कभी ऐसा हुआ है कि जनता की जो समस्याएं हैं बतौर मुखिया आप समझ रहे हैं, लेकिन जब अपने ऊपर जाते हैं उन योजनाओं के बारे में बात करने के लिए, वहां से लेने के लिए जो दिक्कतें आती हैं, कभी कभी लगता है कि जनता नहीं समझ पाती है, हमें समय लगता है सरकारी तंत्र में चीजें समझाना पड़ता जी, है जी, जी। जनता को समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि जरा सा सरकार का प्रोसेस है, लेट सेट होगा जी जी जी, और काम लेकिन कन्फर्म है, काम कन्फर्म है, जनता पे कितना भरोसा है, हद से ज्यादा। एक आखिरी मैसेज अगर आपको अपनी जनता को देना होगा तो आप वो क्या मैसेज दीजिएगा, जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं जो यहाँ के, वो क्या कीजिएगा? बनेंगे तो फिर अच्छा से चलाएंगे पंचायत को, अच्छा है। मुखिया जी बड़े मस्त मौला टाइप के हैं, इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। इनका ये कहना है कि जनता सर्वोपरि है, जनता अगर वापस से चुनती है तो भरोसा कायम रखेंगे। जैसे 5 सालों में इन्होंने काम किया है, कुछ काम रह गया है। जी हाँ, ये स्वाभाविक है कि जब आप क्षेत्र में काम करते हैं तो इतनी सारी चीजें होती हैं विकास करने के लिए जिनमें कुछ चीजें छूट जाती हैं। ऐसे में अगर जनता दोबारा इन पे भरोसा करती है, दोबारा चुनती है, तो वो सभी काम भी मुखिया जी पूरा करेंगे। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।